लास्ट टाइम हमने देखा था एपी इंटीग्रेशन, इसके अंदर कोई सवाल तो नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट का यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। अभी तक हमने देखा टुकड़े टुकड़ों में काम करा, सही है। अगर हमने काउंटर ऐप बनाई तो वो भी एक छोटा सा ऐप बना हुआ था बस, वो सही है, वो भी लेकिन एक ही पेज पे था। हमने एपी इंटीग्रेशन करी, वो भी सब एक पेज पर आ रहा है। अब ये देखेंगे के वेबसाइट को अलग अलग टुकड़ों से जोड़कर हम किस तरह से मतलब एक असल वेबसाइट का रूप देंगे, उसको डिज़ाइन देंगे, सही है। सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर किस तरह से काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है, कोशिश ये करो हर एक चीज़ का एक अलग कंपोनेंट्स होना चाहिए, कोशिश ये करो। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिएक्ट पर हम जो आए ना, आने का रीज़न क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, सही है, कि हम ये चाह रहे हैं कोड रिपीट ना हो, हमारा यही माइंड है। अब ये नेव बार है, सही है, ये आपका हीरो सेक्शन है, यानी कि वो जो बड़ी वाली स्क्रीन आती है उसके नीचे ये हमारा पूरा प्रोडक्ट का सिस्टम आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पर कुछ डील्स वगैरह चल रही है। लास्ट में हमारे पास पूरा का पूरा फुटर आ रहा है। ये सब देख रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट्स हमें हर फाइल के अंदर अलग अलग बना कर रख देंगे सारे कंपोनेंट्स को। अब हमारा काम ये होगा कि जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, सही है, अब आपको ये पता है कि वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत से पेज ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत से पेज ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं, और ये रेंडमली हर किसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, ये किसी खास इसी पे नहीं है, ये सब पर देखने को मिलेगा। एक इसको खोल लेता हूँ और एक OLX को ओपन कर लेते हैं। अब ये मैंने OLX ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं आया, फुटर नज़र आ रहा है इधर, सही है, ऊपर आपको लॉगिन सर्च वगैरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आता हूँ इस वाले पेज के ऊपर, इस वाले पेज पर आ जाता हूँ, ये क्या चली गया, अभी भी ऊपर ही आ रहा है ना सर्च करने वाला, फुटर देख लेते, फुटर भी आ रहा है। मैं चलो पेज चेंज कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, अभी भी आ रहा है, फुटर पर आते हैं, फुटर भी अभी हमारे पास आ रहा है। तो ये कुछ सेक्शन वेबसाइट में ऐसे होते हैं जो कि हमें बार बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप ये सोचो, अगर इसमें 10,000 पेज हैं, तो क्या 10,000 पेज को हम जो इसका कोड है फुटर का, क्या कॉपी पेस्ट कर देंगे उसको, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ये हमारे पास अगर बूटस्ट्रैप या HTML CSS होती तो उसमें करेंगे, क्योंकि उसमें इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कॉपी पेस्ट के अलावा। रिएक्ट के अंदर तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, फंक्शन है, फंक्शन बना दो, जहाँ यूज़ करो उतना सा फंक्शन को कॉल करो, काम हो जाएगा, समझ रहे हो। यूज इफेक्ट में, यूज इफेक्ट में क्यों चलाओगे, यूज इफेक्ट इसलिए कभी यूज होता है, यूज इफेक्ट तो पेज को रिलोड होने से रोकने के लिए यूज होता है, कि जब भी कोई हमारी स्टेट चेंज होती है तो हमारा पेज रीरेंडर हो रहा होता है बार बार, उसको रोकने के लिए यूज इफेक्ट को यूज़ करते हैं ना। API को हमने यूज़ इफेक्ट में क्यों रखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था जब यूज़ इफेक्ट पढ़ा रहा था, कि जैसे कोई मेरी स्टेट चेंज होती है, जैसे किसी बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा पेज अंदर बिहाइंड से रीलोड हो रहा है बार बार। तो हम चाह रहे हैं कि कोई भी स्टेट चेंज हो रही है तो भाई हमारा पेज क्यों रीलोड हो रहा है, फालतू का अननेसेसरी चल रहा पेज मेरा। तो हमने बोला कि उसको रोकना है, उस पेज को रीलोड नहीं होने देना है, तो रोकने का जो काम कर रहा है वो यूज़ इफेक्ट कर रहा है, उसका कोई इससे लेन देन ही नहीं है। अच्छा, मैंने बोला क्या है, समझ में आया। क्या बात है, नेट स्लो आ रहा बहुत। उधर नेट चल रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ऐसे तो आ रहा है। चलो सही है, हम क्या करते हैं, अब हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग सेक्शनों को जोड़कर हम किस तरह से काम कर सकते हैं इसके अंदर, सही है। काम करने के तो वैसे हमारे पास 1,000 तरीके हैं, लेकिन हम जो अच्छी प्रैक्टिस है इसको देखेंगे। और ये समझ लो
हम अभी जो है ना, पिछली बार हमने देखा था कि एपीआई इंटरनेट से उठा रहे थे, सही है, सारे प्रोडक्ट वहाँ से आ रहे थे। अब हम यहाँ पर अपने खुद के लोकली प्रोडक्ट रखेंगे, लोकली एपीआई जैसे हम सिस्टम बनाएंगे, जैसे वहाँ पे एरो ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा था, हम यहाँ पे लोकली एरो ऑफ ऑब्जेक्ट में रखेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारा काम एपीआई से ही हो रहा होगा फ्यूचर में भी, सही है। हर वेबसाइट में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बगैर एपीआई के भी जो है ना, होते तो सेम है, सिर्फ उसका डेटा चेंज होता है बस। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास एपीआई से प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें ऊपर इमेज थी, नीचे डिस्क्रिप्शन थी, मतलब सब सेम थे, जितने भी प्रोडक्ट आए सब सेम थे, सिर्फ अंदर का डेटा चेंज था। हर वेबसाइट के अंदर भी कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी, सही है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि जहाँ पर हो क्या होगा, क्या वहाँ पर ये हो रहा होगा कि कॉन्टेंट सिर्फ चेंज होगा, 4 से 5 कार्ड बनाने होंगे सेम, तो उसमें कंटेंट चेंज होगा। तो आपके उसको 4 से 5 कार्ड बना रहे हो, आप बोलो चलिए यार 4 से 5 ही तो है, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है कोड, वो समझ लो जितना कम हो सके उतना कम काम करना है, जितना फुल कोशिश करो, मतलब कोड ना होने जैसा हो, समझ लो। हेवी से हेवी वेबसाइट भी जो है ना ऐसी चल रही हो फिर पानी चल रही होती है। मालिक भाई नेट अभी भी मसला कर रहा है, अब मेरा बगैर नेट का काम ही नहीं है, क्या कैसे पढ़ूंगा। एक मिनट में अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जैसे मल्टीपल कार्ड्स हो गए, अभी नेट चले तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को, इससे पहले जब तक हम एक सेटअप कर लेते हैं, सही है। इधर आ जाते हैं TTS के अंदर, 11:1 के अंदर, और यहाँ पर आकर आपने, हम जो है क्या बनाने जा रहे हैं, कोई भी एक वेबसाइट का डिज़ाइन उठा लेते हैं नेट से, उसको स्ट्रक्चर करते हैं, सही है। और हम उठाएंगे वीट की वेबसाइट का, वेट की जो खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, मैं उसी पे से आपको कार्ड दिखाता, लेकिन मैं आपको जो है ना उसी पे से कार्ड दिखाने वाला था मैं आपको, सही है। तो उसी को हम बना लेंगे, और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने में। मेरा कोई इरादा नहीं था वैसे कोई इतनी लंबी छोटी वेबसाइट बनाने का, मैं उसे स्ट्रक्चर समझाना था कि स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा, मतलब इस तरह से काम होगा, लेकिन ये है कि मैं बनवा देता हूँ, समझ रहे हो बात को। नेट तो चले पहले, जितना हमने पढ़ा इतने में आराम से बनेगी वेबसाइट, दुनिया की सारी वेबसाइट आराम से बन जाएंगी, इतने जितना हमने पढ़ लिया है इतने में। बस अभी हमने ये नहीं पढ़ा, राउटिंग नहीं पढ़ा कि एक पेज से दूसरा पेज कैसे बनाएंगे यहाँ पर। जैसे कि HTML के अंदर तो ये होता था कि हम मल्टीपल HTML पेज बना लिया करते थे, क्लिक करा दूसरे पेज पर राउट होगा, यहाँ पर तो HTML का पेज ही एक है, एक ही पेज है ना HTML का। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, अगर ये वेबसाइट आज बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो फिर हम कल भी इसको पढ़ेंगे, यानी कि मतलब जो नेक्स्ट हमारा जो न्यू टॉपिक होगा वो उसके ऊपर होगा कि एक पेज से दूसरा पेज पर राउट किस तरह से करें, राउटिंग करना, ये वाला हमें काम करना है। अब इस पे जो कार्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्ड आ रहे हैं, ये हम देखेंगे बगैर कोड को रिपीट करें किस तरह से करेंगे। अब ये एपीआई से थोड़ी नहीं आ रहा है, ये एपीआई का काम है इस पर, नहीं एपीआई का काम है इस पर, ये तो ऐसे ही आ रहा है। तो ये हम देखेंगे किस तरह से करेंगे कम से कम कोड में इसको। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है, मैं सोच रहा था कि अपने राउटिंग करवा दूँ, तो मैं ही सोच रहा हूँ कि स्ट्रक्चर रेडी करवा दूँ, क्या बोलते हो?
चलो सही है, हम जो है इस स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। नहीं अगर आपके जहन में कोई दूसरी वेबसाइट है तो वो बता दो, आपको जैसा लगेगा मेरे से रेट से बनेगी कैसे ये, तो वो है तो वो बता दो। सही है सही है, इसको हम अलग अलग कंपोनेंट्स में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके कुछ इमेजेस उठा लेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं। ये तो हमारे पास अभी वैसे आ रहा होगा, रिएक्ट की ऐप डाउनलोड करेंगे ना वो तो वैसे आ जाएगा ये वाला तो। ठीक है, ये हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी करना है। नेम बार अलग होगा, हीरो सेक्शन हमारा अलग बनेगा, ये वाला एक अलग बनेगा, नीचे वाला एक अलग बनेगा। सही है, इसमें मतलब कितने कंपोनेंट्स होने वाले हैं एक नेम बार का? एक दो तीन चार, चार कंपोनेंट्स होने वाले हैं। बड़ी वेबसाइट के अंदर 20-20, 30-30 भी होते हैं, 500-500 भी होते हैं कंपोनेंट्स। सही है, लेकिन पेज इसका एक ही होगा जो कि मेन पेज होगा, होम पेज। हम जो है अगर हमारे पास ये और पेजेस होते हैं, मैं वो सोच रहा था इसलिए मैं राउटिंग का सोच रहा था, अगर हमारे पास और पेज होते हैं तो हम अबाउट का पेज अलग बनाते हैं, फिर हम गैलरी का अलग बनाते हैं, यानी कंपोनेंट्स एक अलग चीज़ है, अब पेजेस का काम अलग करते हैं। अब देखो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं टेलविंड के ऊपर, और इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। मैं यहाँ पर आया टेलविंड के ऊपर, अब मैं एक सेटअप रेडी कर रहा हूँ। हम वो वैसे ही कर देंगे, इसी वेबसाइट में कर देंगे पेज टू एड, राउटिंग भी इसी में अप्लाई करवा दूंगा मैं डायरेक्टली। फ्रेमवर्क गाइड पर आते हैं, वेट के ऊपर आते हैं, यह कमांड को रन करते हैं। ठीक है, और मैं इधर आऊँगा, इधर आके सबसे पहले क्या करूँगा, CMD कंट्रोल V, इस प्रोजेक्ट का नाम होगा वेट। ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद हम इसको एंटर करते हैं, ये हमसे वेट का बोलेगा, हमने बोला बना दो। यहाँ पर आके NPM I की कमांड चलाना है। ठीक है, और CD करनी है। सही है, CD वीट, ये मांगा वीट के अंदर। ठीक है, और अब क्या करेंगे, NPM I की कमांड चलाएंगे, और क्या करना है, और हमें इसके अंदर टेलविंड को इंस्टॉल करना है। इसको करेंगे कॉपी, और इधर आके कंट्रोल V, इसको करेंगे कॉपी, और इधर आकर कंट्रोल V। ये हमारे पास काम हो जाएगा। सही है, इसको हम आके इस पर ओपन करते हैं, ओह मैं वो सारा इसी पे खोल दिया, वेट पर आते हैं और आके इसको ओपन करते हैं, और टेलविंड की फाइल का इसमें सेटअप कर लेते हैं, जो कॉन्फिग वाली फाइल जो आ रही है इसके अंदर इसका सेटअप करेंगे। SRC के अंदर आके app.css को इसको तो डिलीट करना है, जो हमारे पास app.css है इसको डिलीट कर दिया, और जो हमारे पास index.css आ रही है इसको खाली कर दिया। क्या चीज़, नहीं मसला नहीं है, लेकिन स्टाइलिंग बाहर आ रही होगी, फिर बाहर स्टाइलिंग लग कर आ रही होगी। हाँ डिलीट कर दो, फिर नहीं आया, फिर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आया और यहाँ पर टेलविंड की फाइल, अभी कॉन्फिग वाली मेरा फाइल तो आई नहीं है, कॉन्फिग वाली जब तक ये वाली लगा लेते हैं, कॉन्फिग वाली आएगी फिर हम उसको लगा देंगे। कंट्रोल V करा, ठीक है। इसके अलावा मेन डॉट इसके अंदर आते हैं, इसको हटा लेते हैं ताकि अगर मल्टीपल ये दे रहा हो तो हम इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट का एक आ रहा है, और अगर बाहर पब्लिक में देखें तो यहाँ पे भी एक वेट का आ रहा है। ठीक है, हमें वेट वाला चाहिए। इधर आते हैं, SRC के अंदर जाते हैं, जो पब्लिक के अंदर मेरे पास वेट का आ रहा है कॉपी करा। और कॉपी करने के बाद SRC के अंदर आके, एसेट्स के अंदर आके रिएक्ट वाले को डिलीट कर देंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे वेट वाले को। चलिए, ये हमें स्क्रीन पर दिखाना है। अब इस SRC के अंदर आकर आपने एक काम करना है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया तकरीबन, मॉड्यूल्स वगैरह तो आ गए। आपने जो है एक सेटअप करना है SRC का, एसेट्स के अंदर आना है, यहाँ पर आके आपने एक index.js की फ़ाइल बनानी है। JS की ये फाइल क्या करेगी,
जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपका कोड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसा काम आपको लगता है कि ये 4 से 5 दफ़ा आ रहा है, सेम काम है, सिर्फ कंटेंट चेंज है, तो आप फिर इंडेक्स और जेएसपी फाइल बनाओगे जैसे हमारे वीट की वेबसाइट के अंदर कार्ड आ रहे हैं। ये मेरे पास हो गया। अच्छा, इसको आके हम सर्वर ऑन कर लेते हैं, npm रन dev। ठीक है, ये मेरे पास सर्वर इसका स्टार्ट हो गया। अब जो वीट की वेबसाइट में ये आपको ऐसा दिख रहा है कि कार्ड आ रहे हैं, सही है, तो ये कोड डुप्लीकेट हो रहा है। तो आप इस सिचुएशन के अंदर फिर वो वाला काम करोगे जो मैंने बताया, इंडेक्स डॉट जेएस वाला। और ये काम कहाँ पर हो सकता है? नेव बार आ रहा है, इसके अंदर यूएल एलआई कितने सारे रिपीट हो रहे हैं, सही है। अभी मैं बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर ये काम आपको लग रहा है डुप्लीकेट हो रहा है। अब दो काम ये रिपीट हो रहे हैं एक जैसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसा काम कर रही है। तो अभी जैसे दो ही इसको कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ ज़्यादा तो बड़े हैं नहीं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े हैं, इसका कोड भी ज़्यादा होगा। अब जैसे कि ये आ रहे हैं, इसको डुप्लीकेट बना दो, ये डुप्लीकेट बना, इसका कोड कम हो जाएगा। तो कोशिश आपने यही करनी है, और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है इसका, मैं आपको इसका फ़ायदा भी दिखाऊंगा क्या होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आते हैं टेलीविन कॉन्फ़िग के अंदर, इसको हटाते हैं और इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पर आके इसको करेंगे पेस्ट। कोई सवाल है यहाँ तक? इधर जो टाइटल आ रहा है, हम ये वाला इधर टाइटल दे देंगे। इसके अंदर आ रहा वीट नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग, सही है। तो हम ये इसी की वेबसाइट से उठा लेंगे, ये आ रहा है, कंट्रोल सी करा ये। अगर आपने इसका टाइटल चेंज करना है तो यहाँ से कर दो, सिंपल है, यहाँ पे ये लगा दो और ये वाला इसके बाद लगा दो। समझ आ गया? अब क्या करना है? अब हमारे पास ये वेट का लोगो आ रहा है, ठीक है, हमारे पास इसका सर्वर ऑन करते हैं, देखें हमारे पास ये कैसा आ रहा है। ये मेरे पास सेम आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि एप डॉट जेएसएक्स के अंदर मसला करेगा, क्योंकि ना एप डॉट जेएसएक्स की फाइल वगैरह कुछ है नहीं। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, ये कमांड चला देनी है और एक एच1 लिखा, एरर लिख के चेक कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं, अगर आप लोगों ने टेलीविन की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, जब की बात है वो। यहाँ पर आके आपने सर्च करना है मॉडर्न मॉडर्न और कलेक्शन, मॉडर्न कलेक्शन। एक काम करते हैं, टेलविन में जहन से नहीं आ रहा, टेलविन मॉडर्न कलेक्शन ये आ रहा। मैं आपको बताता हूँ सर्च क्या करना है, मैं बता देता हूँ, ये पहले चल तो जाए। यहाँ पे मैं एक दफ़ा एक और सर्च कर लेता हूँ, सही है, मॉडर्न कलेक्शन टेलविंड स्नैपेट्स, ठीक है, ये आपने सर्च करना है, टेलविंड स्नैपेट्स, मॉडर्न कलेक्शन टेलविंड स्नैपेट्स आपने जो है सर्च करना है। इसके ऊपर देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, या आ रहा है। ये आपके पास पहली वेबसाइट आएगी जो मैंने यहाँ पर ओपन करी है, ये सही है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, समझ गए, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। नेट मसला करना भाई, ये क्यों काम में आता है? ये हमारे पास, आपने अक्सर वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके अंदर पूछा है, पीछे जो है बैकग्राउंड कलर पूरा एक जैसा हो रहा होता है, जैसे कि हमारी इस वेट की वेबसाइट के अंदर पूरा जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम एक जैसा ही है, सही है। अब इसका मतलब है आप ये सोच रहे होगे तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दो, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं बॉडी है ही नहीं। एप डॉट जेएसएक्स के अंदर कहीं बॉडी नज़र आ रही है? यहाँ पे तो कहीं बॉडी नहीं है, सही है। तो चलो बॉडी को दे भी देते हैं लेकिन हम बॉडी के अंदर एक हाइट वगैरह लगाते थे एचटीएमएल सीएसएस में, जब काम करते थे कि बॉडी की हाइट 100 VH होगी, विड्थ, तो वो सिर्फ एक स्क्रीन तक ही रहता था, फ्रंट स्क्रीन था, उसके नीचे नहीं आता था वो। अगर इसके नीचे निकलने की कुछ कोशिश करते थे तो वो वाइट स्क्रीन पर लिखा हुआ आता था, क्योंकि हमने तो उसकी हाइट 100 VH कर दिया। तो हमें चाहिए पूरी वेबसाइट पे सेम कलर होना चाहिए, सही है। तो आप लोग पूरी वेबसाइट पे सेम कलर करने के लिए आपको यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, वो देखते हैं किस तरह से करते हैं।
भाई एक तो नेट ने जिंदगी तेल कर दी है। देखना बाबर है क्या? अभी तो चला दिया था बाबर ने, तो वापस से हुआ। अब बगैर नेट का काम ही नहीं है, क्या करें? बच्चों को खाएँ क्या? वापसी वैसे ही हो गया, चलने तो लग गया था, वापसी फिर बंद हो गया वो। अब शो करा रहा, फिर नेट नहीं आ रहा। अच्छा तो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम एक कंपोनेंट्स बनाते हैं। इस एसुस को मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस SRC के अंदर आया, यहाँ पर आके हमें एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें सारे हमारे कंपोनेंट्स आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है? कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो इधर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं इसी SRC के अंदर एक पेज और बना रहा हूँ। ये सारे पेजेस के पेज होंगे, सारे इसमें पेजेस होने वाले हैं या पेज होने वाले हैं। अब ये पेज वो होंगे जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, गैलरी हो गया, सेक्शन हो गया, यहाँ पर वो हमारे पेज आने वाले हैं। इधर आके मैं एक फाइल बना रहा हूँ कि ये अभी हमारा लिए होम पेज होगा, इधर होम .jsx, ठीक है? इधर आते हैं, पेज को रिलोड करते हैं। अभी भी नहीं चल रहा भाई। अब हमारे पास जो है ये हमारा पेज का काम करेगा, ये वाला। इधर आके हमारे कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा नेवबार, .jsx। जब भी आपने काम करने बैठना है तो आप पहले चीज़ों को डिवाइड कर दो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये इसको इस चीज़ में तोड़ना है इसको। ये हमारा हो जाएगा हीरो सेक्शन के लिए, हीरो .jsx। एक और कंपोनेंट होगा, किस चीज़ के लिए होगा? कार्ड्स के लिए, .jsx। और ध्यान रखो कि नाम के अंदर मिस्टेक मत करना, सही है? यहाँ पर आकर ये हो जाएगा हमारा फुटर, .jsx। ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर हैं, ये सब कंपोनेंट्स बनेंगे। यहाँ पर हमारे सारे पेजेस आएंगे वेबसाइट के। काम सेपरेट होगा ना, तब जाके अगर कल को कोई वेबसाइट भी देखेगा ना किसी और की भी बनने के लिए जब आती है ना, तो डेवलपर्स काम ऐसा करते हैं कि हर किसी को समझ में आ रहा हो। ये नहीं कि आप जो है हैकर वाला काम कर रहे हो कि सिर्फ मेरे को समझ में आए, किसी और को पल्ले नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ हैकिंग में होता है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर ऐसा काम करोगे सॉफ्टवेयर उससे बाहर खड़ा कर देंगे, पल्ले नहीं पड़ा तुम्हारा करा हुआ काम है, समझ रहे हो? तो मसला हो जाएगा। तो काम ऐसा करना है कि दूसरे को भी समझ में आ रहा हो क्या रहा है इसके अंदर, ताकि कल को अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस नहीं आते हो, वो आपकी बनी हुई वेबसाइट किसी और को देते हैं, यार इस पे ज़्यादा काम करके दे। अब वो डेवलपर को तो 2 दिन तो उसको समझने में लग जाएंगे, इतने में आप ही पहुंच जाओगे। तो काम ऐसा हो कि उसको भी समझ में आ जाए। सारे पेजेस इधर आएंगे। अगर इसके अंदर जो पेज है इसमें जब होम बनाऊंगा तो इसमें कंपोनेंट्स की जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, समझ गए? अब यहाँ पर app.jsx में क्या आएगा? अभी app.jsx में हमारे पास यहाँ पर आएगा होम, होम पेज का मेन कंपोनेंट आएगा। ये हमारा क्या हमारा मेन पेज होने वाला है, सही है? फिलहाल के लिए तो हम हमारा मेन पेज होने वाला है। जब हम राउटिंग पढ़ेंगे ना तो ये सिस्टम और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। राउटिंग पढ़ने के बाद राउटिंग का पूरा सिस्टम होगा होगा फिर है। नहीं हमारे पास जो है, मैंने क्या बोला, जब राउटिंग पढ़ेंगे तो ये जो मैं अभी इधर होम पेज लगा रहा हूँ तो फिर मैं इधर होम पेज भी नहीं लगाऊंगा, इधर मैं फिर राउटिंग को कनेक्ट करूँगा, फिर पूरी वेबसाइट, फिर जो मैं होम पेज इधर दे रहा हूँ ना, फिर मैं वो राउटिंग के अंदर दूंगा, राउटिंग के अंदर ही अबाउट दूंगा, राउटिंग के अंदर ही सारे, क्योंकि सारे पेज वहाँ पर आ रहे होंगे, बस उसका एक सेक्शन इधर आके फिट हो जाएगा। फिर वो पूरी वेबसाइट यहाँ पर, जब रियल में आप किसी वेबसाइट को देखोगे ना तो app.jsx बिल्कुल खाली होता है, यहाँ पर बस एक चीज़, एक फंक्शन कॉल हो रहा होता है बस। जैसे अभी हमारे केस के अंदर से होम वाले कॉल हो रहा होगा, कंपोनेंट चाहे 1000 2000 बने हुए जी, सारे पेज पेज में मिलेंगे, सही है?
अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, होम वाले को कॉल कर लेंगे। आ गया, होम के अंदर से उठा लिया मैंने। अब जो कुछ होम में लिखा हुआ होगा वो इधर स्क्रीन पर शो होना चाहिए अपने हिसाब से। सही है, दिस इज होम पेज। यहाँ पर आया, आ गया। अभी देख रहे हो बगैर नेट के चल रहा है ये, तो ये तो अपनी जगह प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर आके इसके अंदर क्लास नेम लगा के टेलविन देख लेते हैं, टेलविन इस पर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो टेक्स्ट यहाँ पर आकर 4XL कर लेते हैं। सही है, नेट मसला कर रहा है सर। ऐसे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ऐसे तो आ रहा हूँ, चल रहा है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो ऐसे वो आ रहा है सर्चिंग पर, ये देखो। लेकिन जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ किसी वेबसाइट को तो नहीं चल रहा है, पर वो साइट दिस साइट करंट रीज दिखा रहा हूँ। ऐसे तो वो आ रहा है सारी चीज़ें सर्चिंग पर। कहाँ से इशू है? चल रहा तो उस पर भी तो यही प्रॉब्लम है। अब मेरा काम सारा नेट आला, अब तो नेट के बगैर मेरे को मसला हो रहा है इसमें बार बार। अब चला है। अच्छा, इस वेबसाइट पर आपने आ जाना रेडिट के ऊपर, ठीक है, जो मैंने आपको स्नैपशॉट बताया था। इसमें तो आप दो ही आए बस, ये तो ढूंढ के लगा दो, शिराज होगा और ये क्या नाम है, क्या नाम है, आशिर, आशिर और शिराज के प्रेजेंट है, बाकी सारे एब्सेंट हैं। अच्छा, आपने जो है स्नैपेट सर्च क्या सर्च करना था, मॉडर्न कलेक्शन टेलीविजन स्नैपेट सर्च करना है। इधर आ जाना इस वाली वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आकर ये लिंक दे रहा है। सही है, इस लिंक पर क्लिक कर लेना। इस लिंक पर क्लिक करोगे ये आपको बने बनाए बैकग्राउंड दे रहा है, जो आप अक्सर देखते हो ना कि वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैकग्राउंड बने हुए होते हैं, ये वही बैकग्राउंड है। अगर यहाँ पर आप इसको लगा के प्रीव्यू करके चेक करो तो ये ऐसा हो जाएगा पूरा बैकग्राउंड स्क्रीन का। अगर आप इस पर प्रीव्यू करोगे यार तो ये पूरी वेबसाइट ऐसी नज़र आएगी, पूरा पेज कवर कर लेगा ये। प्रीव्यू इसको करो, ये पूरी वेबसाइट का ऐसा आ रहा होगा। ऐसा प्रीव्यू करो तो ये पूरी वेबसाइट ऐसी हो जाएगी, ये वाला करो तो पूरी वेबसाइट ऐसी हो जाएगी। सही है, वो एक ही जगह रुका हुआ फिक्स है, वो इसे बोलते हैं फिक्स्ड। अब हमारे केस में जो काम यूज़ हो रहा है तकरीबन वो इससे मिलता जुलता काम है वो। सही है, या तो वो थोड़ा और ज़्यादा डार्क है वो। इसके अलावा ये एक ही वेबसाइट नहीं है, इस टाइप की और भी वेबसाइट है, मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस पर आ जाता है टेलमेंट बैकग्राउंड, लोड हो या आ जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ आ गए। ये भी वही चीज़ है, सही है, ये भी सेम टू सेम वही चीज़ है। हम जो है हमारे काम के हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ों को उठा लेते हैं, हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं आया,
यहाँ पर आने के बाद हम जो है उसको थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट, और हम ये वाला लगा लेते हैं। सही है, हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा ज़रूरी नहीं है यही लगाना हो, आप जो है अपने मर्जी का कोई बैकग्राउंड कलर सिंपल लगा सकते हो, उनके बाद बिल्कुल ही सिंपल लगाओ। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ सिखाना चाह रहा था कि ये आपको पता चल जाए। आप इधर आओ, किसके अंदर, एप डॉट जे एक्स, भैया हमारा मेन चीज़ होने वाली है। इधर आकर इस पूरे कोड को इधर पेस्ट कर देना है। सही है, बस इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इधर आ जाओ, कहाँ गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको 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 भी हटा देते हैं, टेलविन को भी हटा देते हैं। इधर आते हैं, यहाँ पर इफेक्ट नज़र आ रहा है। सही है, इधर आकर हम क्या करेंगे, क्लास नेम करना है पहली फुर्सत में। सही है, क्लास नेम करना है। यहाँ पर मैंने इफेक्ट कौन सा कॉपी करा था, जो ऐसा आ रहा है, मैं ये रहा ब्लू आ रहा है। सही है, इधर इस रिलेटिव को आपने क्या करना है, इस रिलेटिव को कर देना है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि सब पर ये सेम यार अप्लाई होगा, लेकिन जब मैंने फिक्स्ड करा जो टेक्स्ट आ रहा था वो भी गायब हो गया। आप यहाँ पर एक जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स, अच्छा सही है, सिर्फ वो इंडेक्स होगा यार, को टेलीविजन बजाना पड़ेगा। यहाँ पर आके आपने सर्च करना है जेड इंडेक्स। ठीक है, ये आ रहा है, अच्छा जेड नाम था, इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं था। इधर आपने लिखना है जेड, और आगे आपने लिख देना है माइनस ज़ीरो हो जाए, ये माइनस वन हो जाए। माइनस वन से क्या होगा कि ये पीछे चल जाएगा सारा, और सब जो कुछ है वो सब ऊपर की तरफ आ रहा है वो। सही है, अब ये आपका काम हो गया, ये सबसे टॉप पर रहेगा बस ये, बाकी होम आपका बस ये मेन, यहाँ पर दो चीज़ होने वाली हैं। अब आगे फ्यूचर में भी इधर कुछ नहीं आने वाला है, ये बस जैसा है वैसे ही रहेगा। अब जो भी वेबसाइट बनेगी वो सब इधर ही बनने वाली है। सही है, हम क्या करेंगे, ये इधर पिंक वाला कलर कहाँ से आ रहा है, पिंक तो कोई कलर ही नहीं था इसमें। मॉडर्न, इस पर आते हैं, हमने तो इस कलर को कॉपी करा है ना, कॉपी, और यहाँ पर आकर फिर से पेस्ट करते हैं। हाँ ये देखो, ये स्निपेट दूसरी है। एब्सोल्यूट को हटा के क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, और जेड इसकी माइनस क्या कर देंगे, ज़ीरो, माइनस वन, कहाँ पर, हाँ माइनस टेन में उसने दी दी है, ये आ रहा है मेरे पास। सही है, अब क्या करना है, अब इसके अंदर आकर सबसे पहले क्या क्लास करना है, हाँ क्लास नेम करना है इसको, क्लास नेम। सही है, ये मेरे पास काम हो गया पूरा का पूरा। सही है, हाँ ये हमारा एप डॉट जेएसएक्स मेन पेज है ना, तो हमारी पूरी वेबसाइट पर जो कुछ भी होगा वो इधर ही तो होगा, और कहाँ होगा। अब मैं होम के ऊपर जो कंटेंट शो कराना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो एक नेवबार शो कराना चाह रहा हूँ मैं। सही है, यहाँ पर आके इसको हटा लेते हैं। इधर हमारे पास अभी फ्यूचर में नेवबार आने वाला है, और अभी अभी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो भी स्क्रीन पर देखेंगे वो आ जाएगा। यहाँ लिखा मैंने नेवबार, और इसको पहले वहाँ से मुझे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है इस वजह से जो है ना, आ नहीं रही है यहाँ पर कुछ, कि हमने लिखा नहीं है ना। यहाँ पर मैं आया और इसके अंदर एक एच वन लिख लूँगा, और लिखूँगा कि दिस इज़ नेम बार, और इसके अंदर आकर क्लास नेम लगा दूँगा ताकि पता चल जाए टेक्स्ट वाइट। अब इस नेम बार को वहाँ पे ले आके कनेक्ट कर दूँगा, कहाँ पर, होम के अंदर, क्योंकि सबसे ऊपर यही चीज़ होने वाली है। यहाँ पर आके ये मैंने कनेक्ट कर दिया और ये मेरे पास आ गया। समझ आ गया, कोई सवाल है, कहाँ से कहाँ चीज़ें जा रही हैं सब समझ में आ रहा है। हाँ, और होम को मैंने ऐप के अंदर कनेक्ट किया है, और जो कुछ भी ऐप पे होगा वो सब स्क्रीन पे शो होगा।
अब इन एफ बार को अब स्टाइलिंग करनी है। ये हमारे पास एक लोगो आ रहा है, एक सर्च आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे चीज़ें आ रही है, बाकी कुछ थोड़ी बहुत सी आइकन्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमें आइकन के लिए करना पड़ेगा, मैंने लगाना सिखाया था ना आइकन, रिएक्ट आइकन्स आके सर्च करो, इधर आ जाओ, और यहाँ पर आके आपने जो भी आइकन चाहिए होगा वो हम सर्च कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें आइकन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर मैं एक कमांड चला रहा हूँ, npm i रिएक्ट आइकन्स, सही है, ये हम अपने पीसी में इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ये मेरे पास अभी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में दिखा रहा होगा कि ये रिएक्ट आइकन इंस्टॉल हो गया है। अभी जो कुछ भी इंस्टॉल होता है वो सब मॉड्यूल्स के अंदर जा रहा होता है, जितने फोल्डर बनकर आते हैं वो सब इधर जा रहे होते हैं वो। अच्छा ये भी हो गया, इसके अंदर आते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर आकर ये वाली कमांड चला लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो खाली रखते हैं, जब इसमें काम करेंगे तो फिर हम इसको भर देंगे। क्या हटा दिया, फुटर के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी आकर ये कमांड चला लेते हैं, सही है। अब इस नेव बार के अंदर आना है, नेव बार के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक नेव का टैग होगा जिसके अंदर कितने डिव होने वाले हैं, 1 2 और ये तीसरा हो जाएगा। वैसे तो पूरा एक ही है, हम क्या करेंगे, 2 डिव बनाएंगे, एक ये पूरा जिसमें सारा कंटेंट आएगा और एक ये हो जाएगा। इसके अंदर आने के लिए हम यहाँ पर 2 डिव बनाने वाले हैं, एक होगा हमारे लिए लेफ्ट वाला जिसके अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव लेंगे जिसकी क्लास होगी, इसकी जो विड्थ रखेंगे वो पूरी वेबसाइट की जो है हाफ रखेंगे, सही है, पूरी वेबसाइट की हम हाफ रखेंगे, मतलब कि इसकी विड्थ को रखेंगे 1/2 यानी कि 50%। देख रहे हो इधर क्या शो करा रहा, 50%। और इस पूरे नेव बार के अंदर इसकी जो हाइट होगी वो होगी 64 पिक्सल। 64 का मतलब है 256, नहीं 64 तो बहुत ज़्यादा हो गया, पिक्सल में देना है ना मुझे। मैं इधर आके इसका 40 करूँ और 40 में देखूँ क्या आ रहा है, 40 पे ओवर करें तो 160 पिक्सल, 160 नहीं चाहिए, 20 करते हैं, 20 में कितनी आ रही है, 80 पिक्सल का नेव बार आ रहा है, सही है। तो हमारा नेव बार जो है 80 पिक्सल का हो जाएगा, कोई सवाल, 80 से भी छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो, फिर आपको जो है 18 लगाने पड़ेगा। 18 पे क्लास क्या आ रही है आपकी, चेक कर लेते हैं। अच्छा 18 नाम की कोई क्लास नहीं है, 16 है, 16 का मतलब है 64 पिक्सल, सही है, ये हमारी हाइट हो जाएगी नेव बार की। अब इसके अंदर आकर ये हमारा लेफ्ट डिव हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा जो 50% इसके पास होगा। इधर आकर एक बॉर्डर लगा लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम आगे हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, सही है। जो कुछ भी लिखूंगा सब कुछ फ्लेक्स होगा, और इसके अंदर भी एक अदर बॉर्डर लगा रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे कि हो क्या रहा है, और एक बॉर्डर इसमें लगा दूंगा, ये 2 डिब आ गए इसके अंदर। अब इसके अंदर आने के बाद एक तो हमारे पास इमेज होने वाली है, वो हमारे पास लोगो होगा। इमेज को लगाने के लिए करेंगे, इधर आएंगे इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, और इधर आकर क्या करेंगे, .forward/assets एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मेरे पास क्या नाम था इसका, weight.svg, ठीक है, इसका नाम लगा देंगे weight.svg, क्लियर हो गया। ये लोगो मेरे पास इधर आ जाएगा, लोगो सही है आ गया। इसके आगे मुझे एक H1 लिखना है जिस पर लिखना है वेट, जो इन लोगों का भी आ रहा लिखा हुआ, सही है।
अब इस वेट के अंदर का क्लास नेम टेक्स्ट इसको रखेंगे वाइट, टेक्स्ट इसका वाइट करा तो ये मेरे पास ऐसा आ रहा है और इतना बड़ा ही चाहिए तकरीबन हमें, और लोगों को थोड़ा सा छोटा करना होगा। इस पर अगर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, इसकी क्लासेस देख लेते हैं। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल आ रहा है, सही है, बाय डिफॉल्ट 16 ही होता है। इस लोगों को थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ पर आओ, क्लास नेम इसकी जो विड्थ होगी वो होगी हमारी 20 पिक्सल। हो गया छोटा। अब ये जो डिव है इसमें जो कुछ भी होगा सारा फ्लेक्स होगा, ताकि वो इस तरह से फ्लेक्स हो जाए। सबके अंदर आइटम्स इसका सेंटर होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। अब इसके अंदर एक सर्च बार होगा, सही है, इसके अंदर एक सर्च बार होने वाला है। एक काम करते हैं, इस पूरे को उठाकर एक डिव में डाल देते हैं, इस इमेज को। और ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, ताकि जब मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट इस पर सराउंड करूँगा ना, तो ये डिव एक अलग जगह पे जाएगा और अभी सर्च वाला डिव जो है वो एक अलग जगह पर आ जाएगा, इस वजह से कर रहा हूँ, सही है। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक सर्च बार लेने वाला हूँ, और सर्च बार किस तरह का, इस तरह का होने वाला है। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक लूँगा, इसके अंदर कुछ और सर्चिंग वाला एरिया भी आ रहा है, एक लूँगा फॉर्म, सही है। फिर डिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म एक खुद एक अलग टैग है। ये तो मैं आपसे रिपीट करता हूँ करा क्या है। मैंने जो है ये पूरा एक लोगो बनाया है, समझ रहे हो, इस वाले को पूरे को एक लोगो बनाया है। यहाँ पर क्लास नेम लगा दूंगा, इसको पूरे को फ्लेक्स करना पड़ेगा, ताकि वो जो है ना मेरे पास फ्लेक्स होकर आ रहा हो। ये मैंने पूरा एक लोगो बनाया है, ये मेरे पास सर्च वाला काम करेगा, वो इसका पेरेंट होने वाला है, ये वाला, सही है, सारा होगा। मैंने बोला अब इसके ना गेप देना थोड़ा सा, तो मैं आकर गेप दे दूंगा टू, तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, सही है। अब इसके अंदर मुझे एक जो है इनपुट लगाना होगा, और इनपुट टाइप होगा मेरे पास टेक्स्ट रख लेंगे, प्लेस होल्डर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सर्च लिखा हुआ था, प्लेस होल्डर, यहाँ पर सर्च आ जाएगा। एक आइकन चाहिए सर्च वाला, तो इधर आते हैं, सर्च वाला आइकन सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पर इनके पास ये वाला आ रहा है, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके इसको लगा देंगे इनपुट से ऊपर। और इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, यहाँ से इसको इंपोर्ट करा दिया, कोई सवाल है यहाँ तक, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह का आ गया, आइकन नज़र नहीं आ रहा, आइकन को चेक कर लेते हैं, आइकन कहाँ, ये रहा ऊपर आ रहा है, आइकन को मुझे वाइट करना पड़ेगा। जो मेरे पास आइकन आ रहा है यहाँ पर जो है हमारे पास, इसकी बाय डिफॉल्ट चीज़ें होती हैं, खुद के ऑर्गूमेंट्स होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कलर वाइट, इसके खुद की ये ऑर्गूमेंट्स हैं, ये सही है। हम यहाँ से ऑर्गूमेंट पास करते हैं ना, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इधर से ऑर्गूमेंट दे रहे हैं, ये खुद के ऑर्गूमेंट बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, इधर बहुत सारे आ रहे हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे आ रहे हैं, यहाँ पर आपको साइज़ भी मिल जाएगा, साइज़ मतलब कि कितना बड़ा होना चाहिए, वरना तो आप अपनी खुद की कस्टम क्लास भी दे सकते हो, क्लास नेम करके। मैंने लिख दिया कलर वाइट। अब ये जो इसका पेरेंट है, यानी कि पेरेंट इसका कौन है, फॉर्म। मैंने बोला कि ये भी जो है फ्लेक्स होगा, ताकि जो है ये इसके बराबर में आ जाए। अब इन दोनों को अलग अलग जगहों पर पहुँचाना, तो इस वाले पेरेंट पर आएंगे और आकर बोलेंगे जस्टिफाई कॉन्टेंट अराउंड, हो गए अलग अलग। इसके विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो जो मैंने इसको 12 पर इसको दिया है, इसको मैं दे दूंगा 1.3, इसका मतलब है 33%, देख रहे हो। तो इसके पास मैं इसको फिर एक काम करूँगा, कस्टम देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 35% इसको मिल जाएगा, बकाया 35 से 65% उसको मिल जाएगा नीचे वाले को, समझे करा क्या है, 65% इसको मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अब इस वाले को रेडी करना है, इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, जो मेरे पास फॉर्म आ रहा है, फिलहाल के लिए इसके अंदर तो एक बॉर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी एक बॉर्डर लगकर आ रहा था, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास होवर का बॉर्डर आ रहा है, वैसे तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज है, सही है। ये बॉर्डर कब आएगा,
जब मैं इस पर होवर करूंगा, जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, जब ये बॉर्डर लगकर आएगा, देख रहे हो, सही है। और इसके अलावा क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा थोड़ा सा ब्लैक कलर, इसको बल्कि फ्लैट ही हुए कलर पे जाते हैं। और यहाँ पर आकर ये वाला कलर उठाना है हमें, कोई डार्क, ये रहा वो कलर, इसको कॉपी करा। मैंने बोला भैया बैकग्राउंड का कलर होगा वो ये वाला होगा, इधर आते हैं, वो आ रहा है, सही है। और इसके अंदर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइटम सेंटर, ताकि जो है सर्च वाला भी सेट हो जाए। और जो मेरे पास इनपुट आ रहा है, इसमें अब लगाएंगे एक क्लास नेम, और इसका जो बेजी कलर है उसको कर देंगे ट्रांसपेरेंट, सही है। और इसके अंदर आ जाएंगे, आकर पेडिंग एक्स से दे देंगे इसको इतनी, सही है। पेडिंग वाई से दे देंगे इसको टू, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा गेप देंगे टू का, ताकि सर्च और वो सर्च लिखा हुआ अलग अलग आ रहा हो। इसके बॉर्डर रेडियस को क्या करना है, राउंडेड, ये मेरे पास राउंडेड हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर आके चेक करें, मुझे कलर में थोड़ा सा मसला कश्मीर लग रहा है, इस कलर को ये वाला कलर रखते हैं। कलर इसको वाइट करते हैं, जो इनपुट के अंदर जो कलर होगा वो उसका वाइट होगा, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, अच्छा यहाँ पर जो है टेक्स्ट मैंने वाइट कर लिया, लेकिन प्लेस होल्डर का कलर मुझे वाइट करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर का कलर वाइट करना है, इधर आके सर्च करते हैं, वैसे तो यहाँ से मुश्किल ही मिलेगा। प्लेस होल्डर, हाँ क्या, प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ आ रहा है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ आ रहा, कलर कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, और इसको रखेंगे वाइट। सही है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। अब कलर को थोड़ा सा डिम करना है, आप अपनी मर्जी का जैसे देना चाह रहे हो, तो आप जो है इसके ऊपर आके आप अपनी मर्जी का भी दे सकते हो। मुझे थोड़ा सा ग्रे टाइप का चाहिए, तो हम ग्रे ले लेंगे, सही है। ये मेरे पास इस तरह का हो गया। अब क्या करना है, इस वाले कंटेंट को रेडी करना है, और जैसे मैं इस पर होवर करूँगा ये अपनी जगह पे काम तो कर रहा है। एक ट्रांजिशन लगा सकते हैं हम इसके अंदर, ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलती है ड्यूरेशन, मैंने बोल दिया इसको 200, ताकि स्मूथली चलेगा ये, और इसको करेंगे 300। चलो ये हो गया, अब नीचे वाले पर आते हैं। नीचे वाले पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, ये गाइड आ रहा है 1 2 3 4 5, सही है। एक यूएल लेना होगा, और यूएल के अंदर हमें एलआई लेने होंगे, सही है। डॉक्यूमेंटेशन गाइड एग्जाम्पल सपोर्ट वगैरह ये हमारे पास आ गया, नाम तो कुछ भी कर लो, बस हमें 5 चाहिए। एक और ले लेते हैं, और एक के अंदर कर देते हैं रिसोर्सेज या प्लगइन्स कर लेते हैं, प्लगइन्स, सही है जी। इसको फ्लेक्स कर दिया, गैप 4 का दे दिया, टेक्स्ट इसका वाइट कर दिया, ये ऐसा आ रहा है, सही है, समझ आ गया। इसके आगे मुझे यहाँ पर कुछ जो है लैंग्वेज का आ रहा है यहाँ पर, अगर इसके हम आइकन्स को चेक करें, ये आइकन मेरे पास कौन सा होगा, इधर आइकन भी शो नहीं करा रहा। एक काम करते हैं, इधर लैंग्वेज सर्च करते हैं। कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये वाला है, हाँ सही है। ये वाले को कॉपी करा, इसको को इम्पोर्ट करना है सबसे पहले, यहाँ पर आके इसको इम्पोर्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर एक डिव बनाएंगे, सही है। ये डिव क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके आगे मुझे ये डाउन मेन्यू भी, चलो छोड़ देना, इतना डीप में नहीं जाएंगे, डाउन मेन्यू नहीं बना रहा मैं। यहाँ पर आके सिंपल इसको पेस्ट कर दिया, सही है।
ये मेरे पास इधर आइकन में आ जाएगा, और इधर आके इसके अंदर इसका कलर क्या कर देंगे, वाइट। देखो मेरे पास इस तरह से आ रहा है। जो इसका पेरेंट है इसके अंदर आके करूँगा फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई अराउंड, सही है। और क्या चाहिए, ये वाला लाइट डार्क मोड को छोड़ देते हैं, ये आइकन्स लगा लेते हैं। ये हमारे पास किस कंपनी का आइकन है पता है, ये वाला ये मजदूर, ये आ रहा है ना नाम इसका मस्टोडोन। कंट्रोल सी करा, इधर आए, कंट्रोल वी आ गया, इसको कॉपी करा, इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आके कॉपी करा, इसको भी लगा लेते हैं। ये चीज़ के अंदर कलर इसका भी क्या होगा, वाइट होगा। ये भी आ गया। और कौन सा आइकन चाहिए, इसको हटाते हैं। एक आ रहा है मेरे पास ट्विटर का आ रहा है, और मेरे पास इसका आ रहा ही है, गेमिंग का नहीं है भाई, है मैं बताता हूँ, डिस्कॉर्ड का, ट्विटर, सही है। ये आ गया, कॉपी करा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाके इसको भी पेस्ट करेंगे। इसका कलर क्या रख देंगे, वाइट, समझ आ गया। इसके अंदर एक काम करेंगे, इसको पूरे को एक डिव में रखते हैं, जितने भी आइकन्स हैं ना। ये क्यों रख रहा हूँ मैं समझाता हूँ, अगर मैं इन सारों को बाहर रखता ना तो इस स्पेस अराउंड होने की वजह से वो सारे दूर दूर तक फैले हुए होते, लंबा मसला होता वो हमारे लिए। अब वो इस तरह से नहीं करेंगे, वो इसके अंदर आके इसके डिव को मैं क्लास नेम लगा कर क्या करूँगा, फ्लेक्स, सही है। ये सारे मेरा फ्लेक्स हो जाएंगे। अब मैं अपनी मर्जी का इसके अंदर गैप देके इन सारों को सेट कर सकता हूँ, कि गैप मेरे पास सबके अंदर 2 पिक्सल का आ रहा हो या 3 आ रहा हो, 3 का मतलब है 12 पिक्सल, सही है। इन सब के साइज़ को हम अभी बढ़ाएंगे, और चाहे क्लास नेम नहीं है ना, सही है। यहाँ पर आके साइज़ दे देते हैं इसको 25, 22 दे देते हैं, सही है, सही है। और कौन सा आइकन चाहिए, डिस्कॉर्ड चाहिए और एक गिटहब चाहिए। इधर आते हैं, डिस्कॉर्ड, इसको कॉपी करा, यहाँ से इसको इंपोर्ट कराएंगे, इधर कॉपी करके यहाँ पर आके इसको ऊपर रख के नीचे वाले में पेस्ट करा देंगे। और सेम चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और आइकन उठा लेंगे, कौन सा, गिटहब का, इसको कॉपी करा, उठाया, यहाँ पे लाके पेस्ट करा, इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर, सही है। इधर आते हैं, ये दोनों चीज़ें उठाते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इधर आते हैं, ये मेरे पास ऐसा आ रहा, समझ आ गया। अब हमारे पास जो है ये काम तकरीबन रेडी हो चुका है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये मेरे पास पूरा नेवबार हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो बॉर्डर हमने लगाया था इसको हटा लेते हैं, बॉर्डर हटा दिया, इसको हटाया, इधर आ रहा है, इसको हटा दिया, सही है, ये ऐसा आ रहा है। अब जैसे मैं एलआई के ऊपर होवर करूं, जैसे मैं एलआई के ऊपर होवर करूं, तो मेरे पास कर्सर इसका क्या होना चाहिए, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, सही है। अब रिस्पॉन्सिव करना तो मैं नहीं सिखा रहा इसको अभी, सही है। अगर रिस्पॉन्सिव करना हो तो इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप क्या बोलोगे, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें गायब करा दूँगा, सर्च वाला गायब करा दूँगा, जैसे सर्च वाला गायब करना है, आप क्या बोलोगे, ये जो पूरा फॉर्म आ रहा है इधर आ जाता है। ये हमारे पास
एमडी स्क्रीन के ऊपर ब्लॉक होगा। ब्लॉक का मतलब है कि दिखता रहेगा, यानी कि 768 पिक्सल के बाद से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये बाय डिफॉल्ट हिडन होगा, हिडन का मतलब है छोटे स्क्रीन पर हिडन होगा ये, सही है। लेकिन अब ये मसला ये कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि आप जो है जब भी फ्लेक्स लगा हुआ होगा तो आप हिडन नहीं कर सकते हो, एरर दे रहा है वो। देखो यहाँ पर छोटे स्क्रीन पर वो गायब हो रहा है, बड़े स्क्रीन पर वो आ रहा है। ये डिस्प्ले नहीं है हिडन का मतलब। हाँ अगर ओवर करूँगा ना क्या आ रहा है, डिस्प्ले नन। लेकिन ये बोल रहा है हिडन अप्लाई दिस सेम सीएसएस प्रॉपर्टी एज फ्लेक्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मसला कर रहा है वो। तो इसको खैर हम जब रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो इस तरह से खैर हमें काम करना नहीं होता है। हम तो क्या उसको अंदर नेवी बार बनाते हैं, उसके अंदर लगा देते हैं इसको, पता है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ। हम इस तरह से आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कर सकते हैं, सही है। अच्छा ये हमारा काम हो गया, अब बात करते हैं हीरो सेक्शन की। ये नेक बार तो कंप्लीट हो गया, हीरो पर आते हैं। हीरो पे क्या चाहिए होगा हमें, एक पूरा डिप बनाना होगा जिसपे ये सारा, दो डिप होंगे, एक लेफ्ट की तरफ होगा एक राइट की तरफ लोगो वाला होगा। इधर आकर वो डिप यही होगा हमारा, इसमें आ जाएंगे, क्लास नेम लगा देंगे, और ये हमारा पूरा मेन डिप होने वाला है। एक डिप होगा लेफ्ट के लिए इसके अंदर, जिसकी जो विड्थ होगी वो हाफ होगी स्क्रीन की, 1/2। ये उसकी दूसरी वाली होगी जिसके अंदर मेरे पास इमेज आ रही होगी, लोगो आ रहा होगा, लोगो इधर भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम एसेट्स, एसेट्स के अंदर आकर बोलेंगे वेट डॉट svg। इधर आ जाते हैं, इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें एक जो है H1 लेना होगा, थोड़ा बहुत इसमें काम करना है हमें। यहाँ पर एक वेट प्लस रिएक्ट, और यहाँ पर मुझे एक और H1 लेना होगा, अमोडन फ्रंट एंड टोलिंग सॉल्यूशन। और इधर एक मुझे एंकर टैग लगाना होगा। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इस H1 में सबसे पहले एक वेट लेते हैं, और इसके नीचे आकर मैं एक और H1 लूँगा जिसमें मैं लिखूँगा फास्ट लाइट एंड ऑप्टेन वेब डेवलपमेंट बिल्ड टूलिंग, सही है, हमने ये वाला लिखा है, समझ गए करा क्या है। इसके बाद आकर एक काम करूँगा, ये मैं H1 के अंदर लिखूँगा, ये जो P आ रहा है ना इसके यहाँ पर पूरा मुझे पैराग्राफ लगाना होगा, ये वाला। कंट्रोल सी करा, पी का टैग लिया, कंट्रोल वी करा, सही है, ये हमने इतना काम कर लिया, समझ आया करा क्या है। अगर इधर आए तो वो इधर अभी नज़र ही नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा, इसको हमें कहाँ ले आना पड़ेगा, होम के अंदर नेव बार के नीचे जाके इंपोर्ट करा देंगे, समझ रहे हो कर क्या रहा हूँ। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया, अब ये नेम बार के नीचे ये आना स्टार्ट होगा, आ गया। अब इन सबको जो है इधर जाते हैं, यहाँ पर मैंने बोला टेक्स्ट जो सबका जो है क्या होगा, वाइट, सब कुछ क्या होगा, फ्लेक्स ऐसा हो गया वो, सही है। और क्या करेंगे, जो मेरे पास ये जो H1 वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही है इसकी बात करते हैं, इसको हम एक अलग डिप में डालेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझाता हूँ, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये मेरे पास जो है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड से चिपक रहा है, जो इसके अंदर का डिप है ना, मैं उसकी डिप की जो विड्थ है उसको थोड़ा कम करूंगा और उस डिप को पूरे सेंटर में लेकर आ जाऊंगा, सारे टेक्स्ट वगैरह सेंटर में आ रहे होंगे। मैं समझाता हूँ किस तरह से बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा स्टाइलिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से इसके अंदर कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। मैंने बोला है जो पूरी स्क्रीन का इसको कितना लेना है, 80%, पूरी स्क्रीन का इसको कितना लेना है, 80%। ये 80% किसका लेगा, अपने इस पेरेंट का, 50% का पूरा 80% लेगा। मैं आपको अगर बॉर्डर लगा के दिखाऊँ आके सर है तो आपको समझ में आ जाएगा बॉर्डर, और मैं कर क्यों रहा था ये भी समझा देता हूँ अभी वापसी से। बॉर्डर ये मेरे पास देख रहे हो, ये उसका 80% ले रहा है, हाफ का भी 80 ले रहा है। अब जो मेरे पास ये पूरा डिव होगा, इसकी जो हाइट होगी
वो होगी कस्टम दे रहा हूँ ATVH, कितनी ATVH, वो कुछ इतना बड़ा हो गया, बराबर वाला इतना बड़ा आ रहा होगा, बॉर्डर नहीं लगाया हुआ, पता नहीं चल रहा वो तो, सही है। अब जो इसके अंदर जो 80% मैंने दिया है, तो इसकी हाइट भी मुझे इतनी देनी पड़ेगी, हाइट तो इसकी पूरी 100% ही होगी, 100%, सही है। अच्छा, हाइट को बल्कि 100 नहीं करता हूँ, हाइट नहीं दूंगा, हाइट नहीं दे रहा। अब देखो क्या करता मैं, ये इसलिए कर रहा था कि जब मैं इसको फ्लेक्स करूँगा, आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये इसलिए कर रहा था स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए, इस तरह से। अब समझ में आया क्यों कर रहा था? अगर ये मैं डिप नहीं लगाता ना, अलाइन आइटम सेंटर करते हुए सेंटर आता हो जाता, लेकिन ये जो है इधर सेंटर में आता इस जगह पर, ये भी जो है थोड़ा सेंटर में आ जाता, लेकिन यहाँ पर जैसा काम हुआ ये सब एक ही सीक्वेंस में रहे, देख रहे हो, एक ही लाइन पे है, इस वजह से मैंने डिप लिया था। ये जो H1 आ रहा है और ये वाला जो H1 है, दोनों में सेम स्टाइलिंग होगी, क्लास नेम, टेक्स्ट इसका होगा 4XL, फॉन्ट होगा बोल्ड, सही है, 5XL करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, अगर हम बिल्कुल इसी के जैसा बनाना है, तो हमें हमारा वाला टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको फिर जो है कम करना पड़ेगा, तो ये भी सही लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही आ रहा है ना उनके पास भी। अब इसका जो पी है वो ग्रे कलर का आ रहा है दूसरे के मुकाबले में, तो मैं इसके पी में आकर वो है स्लेट कलर, यहाँ पर आके टेक्स्ट स्लेट, उसका 400 शेड है, वो हो गया। यहाँ पर आके टेक्स्ट LG कर देंगे, LG का मतलब है 18 पिक्सल, उनका भी ऐसे ही आ रहा था। यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, MY, MY का मतलब है कि टॉप बटन से मार्जिन दे दो 8 पिक्सल की, समझ आ गया। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट साइज़ को और बढ़ाएंगे, LG से भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, XL करेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज, इसका मतलब है 18 पिक्सल। इसको एक्सेल से भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एक्सेल से बड़ा होगा फिर हमारे पास ये आ रहा XXXL भी आता है, यहाँ पर ये आ रहा है 2XL होगा। अच्छा, एक्सेल पे 20 पिक्सल आ रहा है, तो अगर 2XL करेंगे तो 24 पिक्सल आएगा, इतना बड़ा आएगा, सही लग रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, सही है, चलो ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। हम इसको, ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर ही टिकर है, हम कस्टम भी दे सकते हैं, अगर जैसे आप 22 पिक्सल देना चाह रहे हो, ज़्यादा बड़ा हो रहा था, आप इस तरह से कर लो, इस तरह भी हो जाएगा। अच्छा, खैर ये हमारा हो गया बॉर्डर, आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्यों लगाया हुआ था, ये हटा देते हैं इसको, ये बॉर्डर हट गया, तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब इसके नीचे हमारे पास 1 2 3 4 बटन आ रहा है, लेकिन आप ये देखो, नेव बार में जाता हूँ, नेव बार में एक चीज़ है, LI जो है डुप्लीकेट हो रही है, कोड रिपीट हो रहा है, इसकी मैं बात कर रहा था। इसको डुप्लीकेट होने से किस तरह से रोकेंगे, आप आओ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर आके लेट नेव बार और नेव बार आइटम्स, एक चीज़ याद रखो, आप अक्सर मिस्टेक करोगे किस चीज़ में, जो आप इधर नाम दे रहे हो वो नाम अगर आपकी इस वाली नेव बार वाली फाइल से मैच कर रहा होगा, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराते हुए मसला होगा, एरर आएंगे, नाम सेम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने नेव बार कर दिया, ये स्मॉल वाला एन लगा हुआ है, कैपिटल वाला एन है, सही है। मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, एरे के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा टाइटल, होम आ रहा होगा उसका URL ये होगा, सही है। URL का तो अभी हमारे पास काम नहीं है, लेकिन जब अभी ये राउटिंग पड़ेगी तो उसमें URL भी काम करेगा। एक और बना लेंगे, यहाँ पर मेरे पास अबाउट आ जाएगा, मतलब इस तरह से जो भी उसके नाम होंगे हम लगा लेंगे। एक और आ जाएगा जो कि कॉन्टेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आके इसको भी लगा लेंगे सर्विसेज, इसको लगा देंगे ब्लॉग। हम जो है क्या करेंगे, जो इसमें नाम आ रहा है, गाइड आ रहा है, कॉन्फिग आ रहा है, प्लगइन्स आ रहा है, इसको चेंज कर लेंगे, GUID गाइड कॉन्फिग, हाँ लिया, कॉन्फिग प्लगइन्स
प्लगइन्स, रिसोर्सेज और वर्जन, रिसोर्सेज यहाँ पर आ जाएगा, वर्जन ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे राउटिंग में कल, हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये इधर आ रहा है, कंट्रोल सी करा, यहाँ से इसको क्या करेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि मल्टीपल में यहाँ पर और भी चीज़ें बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करानी पड़ेंगी, तो मैंने बोला इसको एक्सपोर्ट कर दो। और अब जो नेव बार आ रहा है, इस नेव बार के अंदर आया, यहाँ पर आकर इसको सबसे पहले हमें इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। अच्छा जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, सही है, याद रखो वो आ जाए, फिर मैं इसको बताता हूँ क्या करना है। यार जब तक हम हीरो के अंदर आते हैं, ये हमने बना लिया, अभी हम एक और रेडी कर लेते हैं, ये बटन जो आपको पता है बटन भी डुप्लीकेट हो रहे हैं, गेट स्टार्टेड वगैरह, ये बटन मेरे पास डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट जेएस में आऊँगा, यहाँ पर आके लेट आपने लिए बटन्स, और इस बटन्स के अंदर आकर ये सबके लेबल वगैरह आ रहे हैं, इसको मैं एक मिनट हटाता हूँ, ऑब्जेक्ट और बटन का नाम, बटन का यूआरएल, और उसकी एक क्लास भी भेज रहा हूँ यहीं से, सही है। ये उसकी सारे बटन की क्लास वगैरह भी आप भेजना चाहो तो यहाँ से भेज सकते हो। क्लास का मतलब ये है, जैसे सारों की आप जो है अलग अलग बटन आ रहे हैं, इस बटन पे कुछ और, इस बटन पे कुछ और, इस बटन पे कुछ और स्टाइलिंग करनी है, ऐसा ही है। मैंने बोला बटन का जो नाम होगा वो होगा, अभी लर्न रखा है, यहाँ पे कर लेंगे क्या, गेट स्टार्टेड, स्टार्टेड URL तो बटन में जब कल फ्यूचर में अगर जैसे देना हो, जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसी बात है दूसरे पेज पे जाएगा, जब हमें कल को फ्यूचर में URL देना होगा तो हम दे देंगे। मैंने इस बटन की क्लास रखूँगा, क्या रखूँगा उसको देखो, मैंने बोला इसके अंदर जो पेडिंग आएगी, पेडिंग एक्स का मतलब है कि लेफ्ट राइट से आएगी, पेडिंग सी एस एस अप्लाई यहाँ से कर रहा हूँ। हाँ अभी इसको देखो वहाँ पे आके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ। अब इसका जो राउंडेड है, राउंडेड वो होगा फुल, राउंडेड क्या होगा फुल, मतलब पूरा गोल होगा। और टेक्स्ट जो है, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन, इसके लिए आप लोगों को मैंने अभी वो चीज़ पढ़ाई भी नहीं है ना, मसला ये आ जाएगा, सही है, राउटिंग की वजह से मसला आ रहा है, वाइट, सही है, ये सब कुछ वाइट होगा, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर ये मैंने सेम अप्लाई इस पर भी कर लिया, इस पर जो है वाई वेट कर लेंगे, वाई वेट इधर आएंगे, ये यहाँ पे भी अपलोड कर लेंगे सपोर्ट, और इधर आकर इधर भी लगा देंगे गेटअप वगैरह का, ऐसे कुछ हमने ये URL दिए हैं, अगर URL में जैसे कोई क्लिक करेगा तो इस जगहों पे जा रहा होगा, लेकिन हमारे पास अभी कोई URL का सीन नहीं होगा, हमने लगा लिया, मैं कल को फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम इसको लगा लेंगे। अच्छा खैर अब हमें ये बटन को रेडी कर दिया, अभी हमने नेव बार को एक्सपोर्ट करा दिया, नेव बार बनाकर इसी तरह से कोमा लगाकर यहाँ पे किसको एक्सपोर्ट करा देंगे, इस वाले बटन्स को, कंट्रोल वी करा, सही है, ये बटन भी मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब आते हैं इधर नेव बार के अंदर, नेव बार के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा किसको, नेव बार को। अब आपको पता है ये चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, एल आई डुप्लीकेट होना सारे, जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, सिर्फ याद रखो जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, यूएल डुप्लीकेट नहीं हो रहा, यूएल के अंदर कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है, आपने उधर ही आके लगाना है। क्या लगाना है, ये सब हटाना है, इसको बस एक शक्ल दिखानी है कि आपने जो बना के देना सारे वो ऐसे दिखने चाहिए, इसको शक्ल एक तो बनाना पड़ेगा ना, शक्ल कैसे पहचानेगा वो। यहाँ पर आकर हम बोलेंगे जो हमने वहाँ से नेव बार भेजा है, जो वहाँ से एक्सपोर्ट करा है वो यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, देख रहे हो, मैंने वाला एसेट्स के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस से आ रहा है नेव बार, सही है, ये नेव बार
ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म से भेजा हमने। अब नेम बार एक एरे है, मैंने बोला डॉट मैप, मैप आपको पता है लूप लगाने का काम करता है, इसमें वैल्यूज आती है वैल्यू, दूसरी आती है इंडेक्स। यहाँ पर आके इसको रिटर्न करवाना, रिटर्न कराने का शॉर्टकट मैंने कल बता रहा था, मैंने बताया था ना लैम्डा फंक्शन का यूज़ करने का, यहाँ पे लाके इसको लगा देंगे अंदर, बस हो गया। अब ये जो नाम आ रहा है, सबके नाम हमें अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने बोला वैल्यू, वैल्यू डॉट करा, आ रहा है ये टाइटल आ जाएगा, सही है। दूसरी चीज़ यूआरएल थी वो हमने लगाई तो नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम बाहर आए देख रहे हो सब चीज़ें वैसी आ गई। भाई लूप चल रहा है ना, एक एक बार ही चलते आ रहा है, हर बारी में दूसरा दूसरा नाम देते जा रहा है। हाँ उस पर मैप लगा दिया ना, मैप से लूप चल रहा है, एक एक करके प्रिंट करते रहता है वो सारे। जब लूप क्या करता है, लाइन से एक एक 1 2 3 4 प्रिंट करता है ना, ये भी वही कर रहा है। हाँ काम कैसा ये वाला, लेकिन ये ट्रिकी काम है भाई, ये इजी है। काम करते करते ये बहुत, मैंने क्या बोला था, रिएक्ट के अंदर मैप तो नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होगा, वैसे यूज़ होगा, इतना ज़्यादा यूज़ होगा। अभी एक सवाल है, जिस प्रॉब्लम से आप अटक रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई ये कैसे पिक कर रहा है, वो रिएक्ट भी अटक रहा है साथ में, यही प्रॉब्लम रिएक्ट के पास भी आ रही है। बोल रहा है भाई ये तो आपको लग रहा है कि एक जैसा हो गया, बोला मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा हो रहा है ये, तो अभी एक एरर आ रहा है, वो भी नहीं समझ पा रहा है इस चीज़ को। एरर क्या आ रहा है, एरर ये बोल रहा है कि आप जो है वो कल वाला एरर रह रहा है, बोला सबको एक यूनिक की दो, बोला आपने मैप तो लगा दिया, पता ही नहीं चल रहा कि कौन, ये अलग अलग भी है सारे एक ही हैं। तो यहाँ पर आके आप क्या करोगे, इसको एक यूनिक की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पे की नाम का वो आता है, इंडेक्स लगा देंगे, ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा, सही है। ये काम हो गया, ये काम हम बटन पे करने वाले हैं। बटन का पहले एक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, हीरो सेक्शन में जाएंगे, इधर डिप से बाहर आकर ये जो मैंने इमेज लगाई है, इधर आएंगे बल्कि पी के अंदर, पी के नीचे बटन बना रहे हैं ना, एक इधर एक डिप बना लेंगे, सारे बटन इसी में आने चाहिए, फिलिक्स वगैरह कर देंगे इसको। मैंने बोला क्लास मार्जिन वाई से मुझे चाहिए 4, कि जो भी बटन आएंगे वो नीचे आने चाहिए, सारे जो बटन आएंगे सब फ्लेक्स होने चाहिए, ये मैंने बता दिया। वो अब बटन जो मैं बना रहा हूँ अंदर, उसके लिए वो सी एस एस, वो इसके अंदर आने के लिए, वो जब मैं बटन लिखने जा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, वो जो है ना इसके लिए वो। हाँ हाँ मैं फिलहाल के लिए इसको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ गेट स्टार्टेड करके, ठीक है। और बाहर आके देखा तो ये ऐसा आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है। यहाँ पर मैं गैप वगैरह लगा दूंगा, ताकि जब भी वो सारे आएंगे एक साथ, तो वो एक के बराबर में 12 12 पिक्सल के गैप से आएंगे। यहाँ पर इसको एक स्टाइल कर लेते हैं, क्लास नेम, अच्छा स्टाइल देखो कैसे करेंगे। अब बटन को डुप्लीकेट करना है, सेम वही काम करेंगे। अब बटन डुप्लीकेट है ना अंदर, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे बटन्स आ रहे हैं, बटन्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, इंडेक्स के फाइल के अंदर से, सही है। बटन डॉट मैप लगाया, मैप मेरे पास एक फंक्शन है, ये अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, मैंने बोला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स, सही है। इसको भी मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूंगा इस तरह से, और ये बटन को उठाकर उसके अंदर रख लूँगा। अच्छा एक गलती करी है क्या, सबर करो, एरर कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इंडेक्स ले लिया, ये लिया, इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स की फाइल से, मिस्टेक क्या आ रही है, देखो बटन सारा, बटन पर मैंने ले लिया मैप, ठीक है, इसके अंदर ले लिया वैल्यू, यहाँ पे ले लिया इंडेक्स, और इधर आकर लैम्डा फंक्शन लेंगे और यहाँ पे लाके इसको इसके अंदर लिख देंगे, सही है। अब ये जो इधर नाम आ रहा है, ये नाम हमें यहाँ से नहीं चाहिए, वो डायनेमिक आ रहा होगा कहाँ से, वैल्यू डॉट टाइटल। अब क्लासे लगानी है इसकी, क्लास नेम लिखा, क्लास नेम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्लास आ रही होगी, मैंने बोला वैल्यू डॉट क्लास, क्लास में स्टाइलिंग में यहाँ से आ रही है।
आ गया। अब यहाँ पर आकर क्लास में यहाँ पे नहीं दूंगा, अब क्लास में यहाँ पर दूंगा, सारों के अंदर सबकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासें करनी है। जैसे कि इस वाले का कलर ब्लू है, इस वाले का कलर ब्लू है, तो इस वाले का कलर ब्लू है और इस वाले का कलर ब्लू है, तो मैंने बोला बीजी, अच्छा एक मिनट गलत जगह लगा दिया, इस वाले का कलर और इस वाले का कलर बीजी, बीजी अपना कस्टम देने वाला हूँ मैं, सही है। इधर आऊँगा, कलर कॉपी करा, यहाँ पर आके और इसके अंदर, दोनों के अंदर आके पेस्ट कर दिया, पेज को रिलोड करा। क्या गलती करी है क्या जी? हाँ नेट तो चल रहा है। अच्छा ये बोल रहा है कि द रिक्वेस्ट मॉड्यूल एस आर सी इंडेक्स डॉट जे एस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम, बटन्स बटन को एक्सपोर्ट नहीं करा हुआ, ये बोल रहा है बटन्स। पेज को रिलोड करा, आ गए स्टाइलिंग सही। एक हमें ग्रे कलर वाली चाहिए, इसको कॉपी करा, इधर इधर बी जी कंट्रोल वी, जी पासवर्ड नीचे से मालूम करो, मुझे मालूम नहीं। अच्छा हो सकता है मालूम कर लो, नीचे से कर लेंगे कनेक्ट हो। अच्छा कलरिंग अगर हमें, अब हमारे पास तो कलर जिला खैर है, हम यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, मसला नहीं है, सही है। कंट्रोल वी इस वाले का कलर जिला से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करा कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, ठीक है ये मैंने कर लिया। इधर आते हैं तो ये स्टाइलिंग मेरे पास आ रही है, समझ आया काम कर रहे क्या है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सही है। अब हमारे पास इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है। यहाँ पर हम आते हैं, अब किसके ऊपर आएंगे, हीरो सेक्शन पर आते हैं और आकर इसके लोगों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आया, इसको करेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर जी, इस पर वो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें की लगाना पड़ेगा, की के अंदर क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। काम थोड़ा सा हार्ड लग सकता है लेकिन ज़बरदस्त काम है, तो देख रहे हो कंटेंट हमारा कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, कितना सा कंटेंट लिखा हुआ है, सब चीज़ें डायनेमिक चल रही हैं यहाँ पर। ये मेरा पास सेंटर में आ गया, अब इस इमेज के अंदर आते हैं, क्लास नेम लगाते हैं, इसके अंदर इसका जो टेक्स्ट है विड है, सॉरी इसमें टेक्स्ट नहीं है ना, ये तो विड है, विड को मैंने बोला स्क्रीन का हाफ लेना है 50%, सही है। अगर 50 से छोटा दिखाना चाह रहे हो तो आप छोटा भी दिखा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आया मेन पर, ये थोड़ा छोटा आ रहा है, तो इसको 1.3 कर लो, 33% हो जाएगा, सही है। बैकग्राउंड इन्होंने शेडो दिया हुआ है, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। आप जो है क्या कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप दो शेडो, तो हाँ उन्होंने ग्रेडियंट दिया हुआ है। शेडो हमारा बहुत सारा आ रहा है, 2XL वगैरह आ रहा है, तो देख रहे हो शेडो हमारे पास भी वर्क कर रहा है, लेकिन शेडो के कलर वगैरह हमें देने पड़ेंगे, उनका ग्रेडियंट है तो हमारे पास, हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसको, सही है। वरना हम दे सकते हैं इसको शेडो ग्रेडियंट भी, मसला नहीं है। ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा, और जो मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है ना, बॉर्डर हटा लूँगा, हो गया। कोई सवाल तो नहीं है इधर? तो ये हमने अभी एक सिंपल स्ट्रक्चर रेडी करा है। हम आते हैं इससे नीचे वाले के ऊपर, ये कार्ड बनाते हैं, बस फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। हाँ एक कार्ड बनाएंगे, इससे डुप्लीकेट आ जाएंगे। इधर आके क्या करेंगे, लेट कार्ड्स, कार्ड्स कर लिया, एरे बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया,
यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कार्ड आ गया, सही है। टाइटल आ गया फर्स्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसका आइकन आ गया, उसकी क्लास आ गई है, उसका यूआरएल आ गया है। हाँ, ये जैसे हमारे पास टाइटल इसका फर्स्ट इसने दिया है, हमें टाइटल इसका क्या रखना है, ये वाला, ये इसका टाइटल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। आइकन्स हमें यहाँ से नहीं उठाएंगे, आइकन नहीं चाहिए। आइकन ऊपर ये सारी इमेज है, ये आप राइट क्लिक करके जाके देखोगे ना, सब इमेजेस है ये, या आई वो है, ये वो होते हैं हमारे पास वो इमोजीज जो होती है, ये इमोजी है ये। आप इसको डबल क्लिक करो, कंट्रोल सी करोगे, यहाँ पर लाके आइकन्स जो आ रहा था, आप इधर आइकन्स लगाओ, इधर इमोजी कर लो आप, भले मसला नहीं है। इमोजी यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर लो, वो यहाँ से आ रही होगी वो कॉमा, लेकिन इसको हमें डबल कोटेशन में रखना पड़ेगा, सही है, स्ट्रिंग के अंदर। ये हमारे पास यहाँ से क्लास भेज रहा है ये कि उसका कलर ये होगा, सही है, इमोजी का कलर वगैरह जैसे जो भी आ रहा है वो यहाँ से भेज रहा है। अब इस तरह से यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करो, ये वाला आ जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो इसको उठा लेना। हम कलर वगैरह देख के देखते रहेंगे, यूआरएल को हटा देते हैं। इसी तरह से सारे कार्ड डुप्लीकेट होंगे हमारे, सही है। ये इसने ये वाली इमोजी लगा दी है इस पर, हम इसको इमोजीज को चेंज कर लेंगे। कितने कार्ड चाहिए? एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर आकर ये हो जाएगा छठा कार्ड, ठीक है। सबकी इमोजी इधर दे देंगे, ये वाली, इस पर क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा, कॉपी करा, यहाँ पर आकर पेस्ट करा, इंस्पेक्ट करा, कॉपी करा, इधर आकर पेस्ट करा, इंस्पेक्ट करा, कॉपी करा, इधर आकर पेस्ट कर दिया। ये की आ रहा है, की पे क्लिक करा, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, समझ आइए करा गया। इस कार्ड को एक्सपोर्ट करा देंगे, कार्ड्स को एक्सपोर्ट करा दिया। अब कार्ड का सबसे पहले हमें एक डिज़ाइन रेडी करना पड़ेगा, सही है। कार्ड का हमें एक डिज़ाइन रेडी करना पड़ेगा, तो इधर आ जाता है कार्ड्स के अंदर, और ये वाला जो कार्ड आ रहा है, मिस्टेक करिए ना, देखो याद रखो, एक दफ़ा आप गलती कर दोगे वो गलती कभी सुधर नहीं सकती है। रिएक्ट के अंदर जैसे मैंने कार्ड को, मैंने याद था, मैंने स्मॉल सी लिख दिया था। अब यहाँ पर जो है ना, स्मॉल सी पे ही आएगा। आप सोच रहे होगे चलो तो इसको बड़ा कर दो, मसला थोड़ी नहीं है, ऐसे कर सकते हैं ना, लेकिन ये अभी तो सही लग रहा है, लेकिन जब इसको इम्पोर्ट करेंगे ना वहाँ पे, फिर एरर दे रहा होगा ये। बस ये इसके अंदर क्या नाम है, इसको कंट्रोल सी करा, इधर आया, हीरो के नीचे दिखाना है ना, कंट्रोल वी करा, इंपोर्ट करा, सही है, हो गया। इसके अंदर आते हैं, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, गलती आपने करनी नहीं है, अभी तो सही होगा, वरना वहीं पर एरर दे देता है वो। दिस इज़ कार्ड, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, आ गया एरर। अब ये देखो, नेव बार में मैं आया, नहीं होम में लगाया था ना, होम के अंदर इंपोर्ट भी देखो कैसे हुआ है, जबकि मैं कैसे उसको करवा रहा था, देख रहा, मैंने क्या बोला था, ये मसला करेगा, गलती आपने करनी नहीं है। वापसी इसमें आ जाते हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हाँ अभी तो कोई एरर नहीं है, हमारा ही था ना, सही है। एक चीज़ मुझे थोड़ी जहरीली सी लग रही है यहाँ पर, मैं सर्च बार मेरा वाला अच्छा नहीं लग रहा, उसका कलर कोई जहरीला आ रहा है, इसका कलर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला कलर कॉपी करा, नेव बार में जाएंगे, सर्च बार के अंदर यही है ना, फॉर्म,
कंट्रोल भी आप स्कोर सही लगा। अच्छा अब क्या करना है, क्या है, मुझे एक यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाना है। कौन सा? कार्ड, कार्ड डॉट JSX। समझ गया गलती क्या होगी वो। H1 कार्ड, कंट्रोल सी करा, होम पर आया, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करा, कंट्रोल जेड, यहाँ से कार्ड कार्ड, ठीक है, ये कार्ड डॉट JSX से मेरे पास ये इंपोर्ट हो गया, अब सही हुआ। ठीक है, यहाँ पर आके देखें आ रहा है। अब ये जो एक मुझे कार्ड को डिज़ाइन रेडी करना पड़ेगा, ऐसे ही है। यहाँ पर आकर हमें एक इसका एक कंटेनर पेरेंट होगा, जिसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूँगा सारे फ्लेक्स होंगे अंदर के, ऐसा ही है। लेकिन इसकी जो विड्थ होगी वो 90% होगी। कितनी? 90%। ये कार्ड देखो ये कहाँ से आना स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट गैप है, बल्कि 80 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं इधर नहीं करूँगा, इसके लिए अंदर एक और पेरेंट लूँगा, वो सेंटर में आएगा, समझ रहे हो, वो सेंटर में आएगा, फिर उसके अंदर ये कार्ड आएंगे। मैं यहाँ पर आकर एक डॉट विड्थ इसकी होगी 80%, ये मेरा पूरा सेंटर में आने वाला है, समझ लो इस चीज़ को। डिव क्लास नेम लगाई, विड्थ मेरे पास इसकी कस्टम देने वाला हूँ 80%। इसकी हाइट जो है मैं फ़िलहाल के लिए 96 कर रहा हूँ, और एक बॉर्डर लगा के देख रहा हूँ कि आ कैसा रहा है। बॉर्डर इतना बड़ा आ रहा है, इसमें कार्ड शो कराना है, सही है। अब इसको सेंटर में लाना है, तो इसको आके क्या करेंगे, आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ये करने के लिए करा था। अब ये सेंटर में आ गया, सारे कार्ड इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आके कार्ड एक रेडी कर लेंगे, ये उसके अंदर H1 अभी नहीं चाहिए, पहले एक कार्ड रेडी करूँ। मुझे यहाँ पर एक अंदर डिप लेना होगा, इस डिप की जो विड्थ होगी, इस डिप की जो विड्थ होगी वो होगी कितनी, 40, 100, 80, 96, 176, 192। एक बॉर्डर लगा के देख लेते हैं आ कैसे रही है, इतनी बड़ी विड्थ आ रही है। इसकी एक हाइट लगा देते हैं, इसकी हाइट होगी 288। इसको करते हैं 80, इतना बड़ा एक आ रहा है, हाइट छोटी कर लेते हैं, हाइट को करेंगे 52 52 से और छोटा करेंगे 48। ये इसकी हाइट होने वाली है, समझ रहे हो, इतना इसके नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में, इतना बड़ा आ जाएगा इसके नीचे, क्या लगता है। 44 देते हैं, सही है, बस वो आ जाएगा, इतना इसके नीचे आ जाएगा, जगह है ना। जब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो फ्लेक्स रेप हो जाएगा, एक के नीचे एक आ जाएगा, सही है। मैंने ये बोला लेकिन मैंने गलत जगह बोला है ना, कंट्रोल है, सारे कार्ड तो इसके अंदर आने वाले हैं ना, फ्लेक्स हो जाएगा, इसको हटा देंगे, फ्लेक्स, और सारे जस्टिफाई अराउंड होंगे, थोड़ी थोड़ी उसमें जगह होंगी, सही है। अच्छा अब ये कार्ड मेरा रेडी कर लेते हैं, इधर आते हैं, राउंडेड, सही है। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कस्टम होगा, कौन सा, इधर आते हैं, कलर जिला पे गए, इसको कॉपी करा, यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया। इसका जो टेक्स्ट होगा वो वाइट होगा। अब इसके अंदर हमें एक जो है क्या लगाना पड़ेगा, एक इमोजी लगाना पड़ेगी, डॉट एक डिव ले लेते हैं, इमोजी 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 कैसे लगाऊं मैं, सही है। इस पर आया, इंस्पेक्ट करा, कॉपी करा,
कंट्रोल सी, वापस इधर आ जाते हैं, इधर आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास ऐसा आ रहा है, इसके अंदर क्लास नेम होगी, क्लास नेम, इसमें पेडिंग होगी चारों तरफ से 12 पिक्सल की। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूं, इस अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, ये बता दो, देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है। कंट्रोल सी करा, बी जी, कंट्रोल वी, ये मेरे पास ऐसा आ रहा है। इसकी जो विड्थ है 28 भी कम है, इसको करते हैं 12, ऐसा आ रहा है, सही है। और इसको करेंगे राउंडेड, इसी के नीचे मेरे पास एक H1 आ रहा है, इसको करेंगे कॉपी, इधर आके पेस्ट, FP आ जाएगा, कॉपी पेस्ट, क्लास नेम लगा देंगे, इसको पहले तो मार्जिन वाई देंगे 2 का, ताकि जो है नीचे वाले पी पे ऊपर भी काम हो रहा हो, जाके देखें ऐसा आ रहा है, समझ रहे हो। अब जो पूरा बॉक्स आ रहा है इसको भी पेडिंग देनी पड़ेगी, पेडिंग 1 लगाएं तो चारों तरफ से आ जाएगी, लेकिन मैं पेडिंग एक्स से जो है ना 2 दूंगा, और पेडिंग वाई से जो है मैं 1 दूंगा। चलो पेडिंग वाई से भी 2 कर देंगे, फिर एक काम करेंगे इसको भी हटा देंगे, पेडिंग दे देंगे बस 2, ताकि चारों तरफ से सेम आ रही हो, 3, सही है, समझ आ गया। एक कार्ड रेडी हो गया, कार्ड का बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर, ये एक कार्ड रेडी हो जाएगा, हो गया, सही है। इसी कार्ड के अंदर आपको पता है कि क्या चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, ये वाला सिर्फ एक मेन कार्ड है, ये चीज़ डुप्लीकेट हो रही है ना। इधर आओगे, एरे लगाओगे, क्या लिखोगे, कार्ड कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स की फाइल से, डॉट मैप, इधर आ जाएगा वैल्यू, इधर आ जाएगा इंडेक्स, ये लगाकर राउंड ब्रैकेट, इस पूरे को उठाएंगे उसके अंदर ले जाएंगे, सही है। इधर वही की का मसला आएगा, की लगा देंगे, क्या चीज़, इंडेक्स, इधर जो आकर मेरे पास ये आ रहा है इसको हटा देंगे, क्या लगा देंगे, वैल्यू डॉट इमोजी, इधर आ जाएंगे वैल्यू डॉट टाइटल, और इधर आकर वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन आ गए। कुछ हार्ट था इसमें, ये हमारा जो है वेट की टक्कर पे आ गई है हमारी वेबसाइट। कोई सवाल, कुछ भी नहीं, सारा क्लियर है। थोड़ी सी एक काम कर लेते हैं, इधर हमने जो क्लासें भेजी हैं ये उसकी क्लासें हैं, ये कार्ड की अगर बीजी पे आप लगाना चाह रहे हो ना, तो आप उस पर, हाँ API, हाँ लोकल API है बस, ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना जो आपने कस्टम दिया है, आप अगर इसको भी चेंज करना चाह रहे हो तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी डायनेमिक आप लगा सकते हो, इसको मसला नहीं है, सही है। हाँ ना, आप ऐसे लगाओ, हाँ 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 तो वहाँ से मैं हटा देता हूँ, खैर मुझे ज़रूरत नहीं है, लगे रहने दो, मसला नहीं है, समझ आ गया। इसका जो फॉन्ट साइज है, जो H1 आ रहा है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेना, कार्ड में आते हैं, कार्ड के अंदर आएंगे, और जो मेरे पास H1 आ रहा है इसके टेक्स्ट को करेंगे LG, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए दूसरे के मुकाबले में। और जो P आ रहा है इसमें एक क्लास नेम होगा, इसका टेक्स्ट होगा SM, स्मॉल होगा, और इसका जो टेक्स्ट होगा स्लेट होगा, स्लेट का कलर 500 वाला होगा, 300 वाला होगा, ये हो जाएगा पूरा रेडी। अब आप एक में चेंज करोगे, देख रहे हो फ़ायदा क्या हो रहा है, सब में चेंज हो रहा है,
अगर ये चीज़ आप डुप्लीकेट करते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मसला क्या हो सकता है। अच्छा, 13 नाम की कोई क्लास नहीं है यहाँ पर ना। अगर 12 नाम की क्लास है तो उसकी विड्थ कितनी है? 48। तो हम यहाँ पे कस्टम दे देंगे 52, 52 पिक्सल। एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने विड्थ लगाई थी, सही है सही है सही है, 52। अभी क्लास चल रही है, एक मिनट सब्र करो, हो जाऊँगा थोड़ी देर में। ये जो मेरे पास पूरा प्रोडक्ट आ रहा है, इसकी विड्थ में थोड़ा सा मैं सेट करना चाह रहा हूँ। ये जो 80 आ रही है ना, 80 के ऊपर आ रहा है, कितना पिक्सल आ रहा है? 320 पिक्सल। हम यहाँ पे इसको कर देंगे 340 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, जगह नहीं मिले बस इसको। अब ये जो है इस तरह से रिस्पॉन्सिव पे भी काम करेगा। अब इसको रिस्पॉन्सिव करना हो तो खैर आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं, बात नहीं है। सही है, रिस्पॉन्सिव ऐसे लगेगा एमडी स्क्रीन पर ऐसा दिखे, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस यही होगा इसमें। समझ आ गया? ये वाला काम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फुटर वाला आप लोग घर पर ट्राई करना। ये कैसे होगा? ये भी वही होगा, अलग अलग कार्ड बनेंगे। अब वहाँ पर इंडेक्स के अंदर सारी इमेजेस इंपोर्ट करानी पड़ेगी आपको। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पर जाओ, इमेजेस आ रही है, सारों को निकाल लेना। निकालने के बाद जो है इस सब इमेजेस वहाँ पे लगेंगी। इसका एक स्ट्रक्चर रेडी होगा, नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग, सारे जो एक जैसी नज़र आ रही है ना, सारे उनका स्ट्रक्चर अलग ही होगा। हाँ, ये नीचे वाले सारे एक जैसे ही हैं, ऊपर वाले एक जैसे नहीं हैं। उसको तो हो सकता है कॉपी पेस्ट कर लो, या अगर वो तीन के लिए आप अलग लगा दो, लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है। नीचे वाला तो फुटर, आप फुटर के अंदर काम कर लेना, आराम से हो जाएगा काम। सही है, आज के लिए इतने रखते हैं, सेहत के लिए काफ़ी है। अपना एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर जिस तरह से आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, रेट के अंदर इंपोर्ट नाम दे रहे हो, आगे फ्रॉम कहाँ से आ रही है, इस तरह से होगा। बस वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो इमेजेस का जो आपने वहाँ पर नाम दिया होगा इंपोर्ट करवाते हुए, वही नाम वहाँ पे दे दोगे तो वो उधर आ जाएगा, बस वो ऐसे होगा। इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट बार बार क्या कराना, मतलब समझा नहीं।